अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ, चिकन दम बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत इजी बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैं आपके वक्त की बहुत कदर करती हूँ, आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे लिए आते हैं। आप सब सपोर्ट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए आइए रेसिपी की तरफ आते हैं। चिकन दम बिरयानी बनाने के लिए 8 लेंगे चिकन के पीस, इसके अंदर डाल देंगे 1 पाव दही, फिर इसके अंदर डाल देंगे 4 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस, फिर इसके अंदर डाल देंगे हमने प्याज फ्राई किए थे वो डाल देंगे, 5 हमने फ्राई किए थे आधे डाल देंगे, 2 टेबलस्पून डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स करके इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसमें जो मसाला है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। हम लेंगे पानी लेंगे पतीली में, फिर इसके अंदर डाल देंगे 2 कड़ी पत्ता, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी, 3 से 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 10 से 12 काली मिर्च डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे, फिर इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक। इसको हमने 5 मिनट कुक करना है ताकि इसका कलर निकल आए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 1 kg राइस। 1 kg राइस को मैंने 30 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे, पानी का बॉयल आ गया था, मैंने इसको 5 मिनट कुक किया था। हमने इसको कच्चे पके राइस रखने हैं, अच्छी तरह बॉयल नहीं करना। चावलों का पानी हम स्ट्रेन कर लेंगे, इसमें से हम 1 गिलास निकाल लेंगे। जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किया था उसी ऑयल को हम डाल लेंगे पतीली में। ऑयल हमारा 1 कप के करीब था, इसके अंदर हम डाल देंगे मैरिनेट चिकन, फिर डाल देंगे 4 से 5 सब्ज मिर्च, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। फिर इसके अंदर डाल देंगे 5 टमाटर, टमाटर डालकर अच्छी तरह भून लेंगे। फिर इसके अंदर डाल देंगे 1 बादियान का फूल, इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसमें जो टमाटर है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर इसको कवर कर देंगे, कवर करके हम 10 मिनट लो फ्लेम में कुक करेंगे ताकि हमारे लेग पीस कुक हो जाए। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं, हमारे लेग पीस कुक हो गए हैं और मसाला भी बन गया है और टमाटर भी नज़र नहीं आ रहे, हमारा कौरमा रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे उबले हुए चावल, जो मेरे कच्चे पके चावल निकाल लिए थे ना वो डाल देंगे, इसको लेवल कर लेंगे। फिर इसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास पानी, जो मैंने पानी चावल से निकाला था ना वही डाल देंगे, फासले फासले से डाल देंगे। फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ प्याज, जो मैंने आधा डाल दिया था, आधा मैंने निकाल लिया था, वही इसके ऊपर डाल देंगे। फिर इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया, अगर आपके पास पुदीना है तो वो भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फ्राई प्याज डाल के बहुत ही मज़ेदार लगते हैं चावल, इसके ऊपर धनिया पुदीना की खुशबू आए तो बहुत ही मज़ा आता है। मैं ना जो भी रेसिपी लेके आती हूँ ना टू द पॉइंट लेके आती हूँ, मुझे ना बातें बनानी नहीं आती, लोग बातें बना बना के वीडियो इतनी लंबी कर देते हैं, मुझे वो करना आता ही नहीं है, तो इसलिए मैं टू द पॉइंट ही रेसिपी लेके आती हूँ। हमने इसके ऊपर धनिया डाल लिया है, अब हम डाल देंगे जर्दे का रंग, फासले फासले से डाल देंगे। मैंने ज़रा स्पाइसी बिरयानी बनाई है, 2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च डाली थी, आप 1.5 टेबलस्पून डाल लें। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप 2 टेबलस्पून डाल लें। 15 मिनट के लिए दम दिया था, 15 मिनट के बाद चेक करते हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार बनी है। चेक करते हैं कितनी प्यारी बनी है, आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है। इसको सर्व कर लेते हैं, इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, फिर इसको सर्व कर लेंगे। अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।